चलिए अब खबरों को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। राजस्थान के एक बड़े जाट चेहरे की भाजपा में एंट्री हो गई। भाजपा में शामिल हुई ज्योति मिर्धा, गुलदस्ता देकर ज्योति मिर्धा का स्वागत कर दिया। दिल्ली स्थित केंद्रीय भाजपा कार्यालय में ग्रहण की सदस्यता। रिटायर्ड आईपीएस सवाई सिंह चौधरी ने भी ग्रहण की भाजपा की सदस्यता। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदस्यता दिलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मुलाकात हुई है और अहम इस वजह से क्योंकि पूर्व और दिग्गज कांग्रेस नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। इसके अलावा नागौर से सांसद भी रह चुकी हैं ज्योति मिर्धा। और ऐसे में बड़ा झटका, सियासी घटनाक्रम आज राजस्थान में देखने को मिला। हालांकि सदस्यता ग्रहण करने के बाद ज्योति मिर्धा ने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में घुटन महसूस कर रही थी, लेकिन इसे तर पीसी शिव डोटासा ने बैठक के बाद कहा कि कभी फोन भी नहीं किया गया इतने टाइम तक। मुझे ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर मेरे कार्य कर पाने के अंदर अड़चने आ रही थी। आदमी अगर कोई राजनीतिक जीवन में जाता है तो वो प्रयास करता है, पर उसको एक दिशा भी मिलनी चाहिए और वहाँ दिशा नहीं मिल पा रही थी। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद और टॉप लीडरशिप ने बुला करके मुझसे बोला कि भाई आप अगर काम करना चाहेंगे, मैंने कहा जी आप सहयोग रखेंगे तो हम जरूर काम करना चाहते हैं। मेरी पहली प्राथमिकता सिर्फ अपने लोग जो हैं, चाहे वो प्रदेश के अंदर हों चाहे मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हों, उन लोगों की जो परेशानियां हैं वो सरकार के सामने रख सकूं। सबसे पहले बीजेपी की सरकार 2023 के अंदर कांग्रेस बीजेपी की आ सके, कांग्रेस के जो कुशासन चल रहा है अभी एटलीस्ट उससे निजात मिल सके, और उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा कि 2024 के अंदर किस तरह हम 25 की 25 सीटों पे वापस से भाजपा की। नेता नीति नियत और नेतृत्व का अभाव कांग्रेस पार्टी में देखकर, जहां कुशल नेतृत्व है, जहां नीति स्पष्ट है, जहां मजबूत नेतृत्व है, ऐसी पार्टी का दामन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों को स्वीकार करते हुए माननीय ज्योति जी ने और सवाई सिंह जी ने आज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और एक ऐसे समय जब राजस्थान में महिला चित्कार मार रही है, कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी कह रही कि हम असुरक्षित हैं, ऐसे में आज दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं पूरी पार्टी की ओर से, राजस्थान परिवार की ओर से दोनों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी ज्योति मिर्धा जी ज्वाइन किए हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है कांग्रेस को छोड़ करके। इससे पहले कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महिरिया जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पहाड़िया जी उनके सुपुत्र भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए, ऐसे अभी तक 40 लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए और लगातार ज्वाइन करने का सिलसिला बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। यह स्पष्ट संदेश देता है कि राजस्थान में परिवर्तन की हवा चल रही है और वह कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आपका पुनः पार्टी के मुख्यालय में आप सब का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पीएर पक्ष से कांग्रेस की रही है और ससुराल पक्ष से बीजेपी की रही है। हो सकता है उन पे किसी तरीके का बड़े उद्योगपति घराने से वो संबंध रखती है, कोई दबाव होगा या उनका मन बदला होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूँ, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम नागौर जिले में भी सशक्त हैं और राजस्थान में भी सशक्त हैं और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अभी जिस तरह से आपने बात उठाई ज्योति मिर्धा जी की, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि वो 4 साल से सक्रिय ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा जी
आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में केरोसिन छिड़क रही है, जाति और धर्म के लोगों को लड़ाने का काम कर रही है, और ये जो अधिकारी गए हैं, जो रिटायर अधिकारी, उनके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि एक तो वो ईडी और इनकम टैक्स का डर है, दूसरा वो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनका कोई राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है। उनका सोच यह कि कांग्रेस जब तक राज में कांग्रेस की हाजिरी भर दो, और अब किसी ने भ्रम फैला दिया कि भाई राज बदल सकता है तो उधर चले गए, वो कोई परमानेंट उनका एड्रेस नहीं है। और विशेषकर अगर आप देखोगे तो जो रिजर्व अधिकारी हैं, रिजर्व सीटों से जीत के वो जो अधिकारी हैं, वो ज़्यादातर बीजेपी में गए हैं, क्योंकि उन्होंने न तो संविधान पढ़ा, न बाबा साहब अम्बेडकर की थ्योरी पढ़ी, और ना कांग्रेस का इतिहास पढ़ा। उनको तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद हमें आराम कैसे मिले, जैसे अर्जुन राम जी है।